सभी किसान भाई, इस मंडी के आरती भाई, बुजुर्गों और हमारे यूथ कार्यकर्ताओं, मंचासीन सभी नेतागण, जैसे कि आपको पता है कि पदयात्रा जो सारे हरियाणा वो करके 75 हलके जिसने कर दिए हैं, 76वां हलका आपका ये जगाधरी हलका है, उसमें कल से यात्रा चल रही है। अभी थोड़ी देर में ही अभय सिंह कुटवाला जी आपके बीच में पहुंचने वाले हैं और नेता भी आएंगे, काठी साहब भी हमारे अध्यक्ष आने वाले हैं। उस समय तक हमारे बीच में अभी राणा जी की बात आपने सुनी है, जौहरी गुरजात सिंह जी ने बड़ी मेहनत से और उससे बारिश के बावजूद, मौसम खराब होने के बावजूद भी इस इतने अच्छे प्रोग्राम का आयोजन किया है और आप लोग सुबह 9 बजे से, और मैं देख रहा हूँ सभी को कि राणा जी ये लोग जो हैं, सुनैना जी, ये इस इलाके की क्रीम है, प्रभावशाली लोग हैं, जो सिग्नल समाज को ये देंगे, किसानों को ये देंगे, जिस पार्टी में जाएंगे इनके पीछे जनता लग जाएगी, ये वो लोग हैं। तो इन सभी का मैं यहाँ आने पे स्वागत करता हूँ, पार्टी की तरफ से भी, अपनी व्यक्तिगत तरफ से भी। अभी सुनैना जी के बारे में आपसे बता रहे थे शर्मा जी, सुनैना जी सारे 75 हलके पैदल निकाल के, पैदल चल के, गर्मी में सर्दी में यह यात्रा शुरू हुई थी और बहुत सी महिलाओं को साथ जोड़ते हुए यहाँ तक आई है। ये चौटाला जी की रिश्ते में पुत्र वधु हैं और ये बहुत ही जुझारू नेता हैं, जिन्होंने बहुत सी महिलाओं का मोटिवेट करके हरियाणा में एनएलओ ज्वाइन कराई है। तो मैं सुनैना जी से निवेदन करूँगा कि वो आए और विस्तृत रूप में जो महिलाओं के लिए हमारी योजनाएं हम बना रहे हैं, किसानों के लिए बना रहे हैं, उन पर ये प्रकाश डालें। सुनैना जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं छिछरौली मंडी की इस पावन धरती को प्रणाम करती हूँ और यहाँ पे आए मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, मेरे भाइयों और देश का उज्जवल भविष्य प्यारे बच्चों, मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और अभिनंदन करती हूँ। मंच पे बैठे आदरणीय पूर्व में रहे मंत्री श्याम सिंह राणा जी, पूरी जगाधरी की टीम, हमारे हलका के अध्यक्ष, स्टेट के प्रेसिडेंट और इस कार्यक्रम को आयोजित करके हमें आप सब के सामने मुखातिब करने वाले सभी का मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। मेरे साथ पैदल यात्रा में चल रही मेरी बहनें और भाई सबका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए। आज आपके बीच में 3150 किलोमीटर के करीब ये यात्रा करके परिवर्तन यात्रा पहुंची है। श्रृंगार गांव से 24 फरवरी को आदरणीय ओम प्रकाश जी चौटाला ने इस यात्रा को हरी झंडी दिखा के रवाना किया और अभय सिंह जी चौटाला को आदेश दिया कि पूरी टीम के साथ हरियाणा प्रदेश के गांव-गांव, शहर-शहर और कस्बों में जाने का काम करो और ये पता करो कि हरियाणा प्रदेश की जनता के सामने कितनी और कौन सी समस्याएं हैं। जब ये यात्रा करने निकले तो इस यात्रा के दौरान अनेक गांव, अनेक शहर, अनेक कस्बे आए और बड़े ही खेद और दुख की बात है, हर जगह अभय सिंह जी चौटाला ने एक सवाल जरूर किया कि क्या कोई आपके शहर में, कस्बे में या गांव में मौजूदा सरकार ने कोई एक ऐसा कार्य कराया हो जिससे आम जनता का, किसी आम इंसान का कोई फायदा हुआ हो। दुख की बात यह है कि कहीं से भी
संतोषजनक जवाब नहीं आया। हर जगह परेशानियां एक के बाद एक बढ़ती दिखाई दी। 90% गांव में तो पानी की, पीने के पानी की समस्या मिली है। आज भी गांव के लोग पीने के पानी को मोहताज हैं। स्कूलों में मास्टर नहीं है, किसी भी स्कूल में मास्टर पूरे नहीं है तो बच्चों की शिक्षा का तो सवाल बहुत बड़ा हो जाता है। अस्पतालों में डॉक्टर नहीं है, गांव की गलियां बनी हुई नहीं है, वाटरबॉक्स किसी काम के नहीं कि जब पीने का पानी नहीं आता वहां पे इतनी गंदगी जमा कर रखी है। कुल मिला के किसी भी जगह कोई भी गांव शहर या कस्बे में हमें कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला। आज आपके बीच में ये प्रार्थना अनुरोध करने आए हैं, और प्रार्थना अनुरोध ये करने आए हैं कि आप सब लोग जनता है और आपके पास सबसे बड़ी ताकत। तो इतिहास में जब कोई राज लेना होता था तो तोप से, तलवार से, बंदूकों से लड़ाई लड़ी जाती थी, लेकिन आज तो आपके पास लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है, लोकतंत्र की ताकत। अजीज अर्जुन चौटाला जी आपके बीच पहुंचे हैं, मेरा आपसे अनुरोध है कि उनका अभिनंदन करें ताकि एक युवा का हौसला बढ़ सके।